हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द हर्बेरिया एंड इट्स टेक्निक्स सो फ्रेंड्स हर्बेरियम इज अ सिंगुलर वर्ड एंड हर्बेरिया इट इज इट्स प्लूरल फॉर्म ओके सो फ्रेंड्स इस वर्ड से आई थिंक हम सब ही नोन हैं इट मीन्स हर्बेरियम वर्ड के बारे में सबको ही हर कोई जानता है वॉट इज हर्बेरियम कुछ नहीं जानते होंगे बट जो जानते हैं उसमें भी फ्रेंड्स ये जरूरी नहीं है कि सबको इसकी टेक्निक्स के बारे में पता हो इट मीन्स वी नो अबाउट द हर्बेरियम बट वी डोंट नो अबाउट इट्स प्रोसीजर कि हर्बेरियम में जो वर्क होता है वो किया कैसे जाता है सो so, इस वीडियो में फ्रेंड्स हम पूरी तरह से हर्बेरियम और उसकी टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे सो लेट्स स्टार्ट आर टॉपिक हर्बेरियम सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंट दैट है फ्रेंड्स ये एक तरह का कलेक्शन है प्रिजर्वड प्लांट एंड स्पेसिमेंट्स का सो आपने देखा होगा कि हम जब लैब्स में जाते हैं कॉलेज की लैब तो सबने ही देखी है स्कूल है कॉलेजेस है सब में लैब होती है बा, बायोलॉजी की जुलॉजी की लैब होती है बॉटनी की केमिस्ट्री लैब होती है सो so, लैब में जैसे कि स्पेसिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हर्बेरियम नहीं होते हर्बेरियम बॉटनी से होते हैं इट मीन्स अगर आप बॉटेनिकल की भी लैब्स में जाते हो तो आपको हर्बेरियम के आ, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं अगर आपकी स्कूल या कॉलेज में अवेलेबल है तो ओके अदरवाइज स्पेसिमेंट जरूर प्रेजेंट होते हैं माउंटिंग के लिए स्लाइड प्रिपरेशन और बहुत सारे फ्रेंड्स जो प्रैक्टिकल्स uh, होते हैं जो आप स्कूल uh, कॉलेज में करते होंगे ओके ऑब्वियसली करते होंगे सो so, जो हर्बेरियम होता है वो उस टाइप के स्पेसिमेंट नहीं होते जो हम लैब में स्पेसीमेंट्स देखते हैं फ्रेंड्स जो जार्स जो होते हैं बोटल्स में फिल्ड रहते हैं वो कैसे होते हैं वो केमिकल्स के अंदर डाले होते हैं जिससे वो खराब नहीं हो बट हर्बेरियम में क्या होता है कि जितने भी प्लांट्स की जो स्पेसिमेंट होते हैं उनको प्रिजर्व करते हैं एक कलेक्ट करके एक जगह पे रखते हैं और ये भी प्रिजर्व ही होते हैं लाइक लैब में में जैसे में प्रिजर्व करके रखा है सेम वैसे ही होते बट इनका जो होता है वो तरीका इनकी टेक्निक वो अलग होती है हर्बेरियम में क्या किया जाता है जितने प्लांट्स के जो स्पेसिमेंट होते हैं उनको फ्रेंड्स ड्राई किया जाता है एकदम पूरी तरह सुखाया जाता है देन उनको प्रेस किया जाता है हम आगे पढ़ेंगे कैसे ये सब कैसे होता है देन माउंटिंग होती है शीट्स के ऊपर उसको चुपकाते हैं लगाते हैं प्रॉपरली उसको माउंट करते हैं किसके ऊपर वाइट पेपर स्टिफ वाइट पेपर स्टिफ मीन बिल्कुल भी सल वाला नहीं होना चाहिए एकदम प्लेन स्टिफ वाइट पेपर पर उसको क्या करते हैं माउंटिंग करते हैं एंड देन उसको प्रॉपरली अरेंज करते हैं आ, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सो तो ये होता है हरबेरियम

जो वाइट पेपर्स है उनके ऊपर क्या किया जाता है आ, बराबर ढंग से उसको आ, लगाया जाता है उनको चिपकाया जाता है स्टिचिंग की जाती है जिससे उन पेपर्स से वो हट नहीं जाए देन लेबलिंग की जाती है इट मीन्स हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं उससे उस पेसीमैन उस या उस प्लांट स्पीशीज से रिलेटेड एंड देन डिपोजिशन होता है इट मीन्स उसको प्रॉपरली डिपोजिट करके उसको स्टोरेज में रखा जाता है जिससे वो बाद में खराब नहीं हो जाए सो so, ये कुछ क्या है पॉइंट्स है ये टेक्निक्स के मेथड uh, है जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सो so, फर्स्ट जब तो एक बार हम फ्रेंड्स पढ़ लेते हैं फील्ड इक्विपमेंट्स के अब कहीं भी हम फील्ड्स पे जाते हैं कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है रिक्वायरमेंट तो चाहिए कोई ना कोई चीजें जो है सामान की जरूरत पड़ती है तो इक्विपमेंट्स इनमें जो सबसे पहला होता है होता है प्लांट प्रेस सो प्लांट प्रेस क्या होता है सेवरल टाइप्स ऑफ प्लांट प्रेसेस आर यूज्ड फॉर ड्राइंग एंड प्रिजर्विंग फ्लैट फ्रेश स्पेसिमेंट्स जो प्लांट के स्पेसिमेंट्स होते हैं उनको सुखाने के लिए और उनको प्रॉपरली प्रेस करके उनको प्रिजर्व करने के लिए इन प्लांट प्रेस एक मशीन की जरूरत होती है ओके फ्रेंड्स ऑल टाइप्स ऑफ प्रेसेस आर कम्प्राइज ऑफ अ अर मेटल, वुड और स्ट्रॉन्ग प्लेबोर्ड शीट्स ऑफ थर्टी टू पूछा जाता शीट्स होती है या फिर क्या होगी मेटल की भी शीट हो सकती है या वुड की भी शीट्स हो सकती है जो क्या करती है दो शीट्स होंगी पेयर ऑफ होती है इट मीन क्या होती है उन दो शीट्स के बीच में क्या करते हैं हम जो प्रिजर्व करने के लिए हम जो प्लांट्स लाए उनको इनके बीच में डाल देते हैं जिससे वो क्या हो जाएंगे प्रॉपर

और क्या करते तो इनका वर्क क्या होगा ये हम इसलिए यूज करते हैं पूछा जाता है फ्रेंड्स कभी कभी लाइक कभी हर्बेरियम के बारे में आपके कोर्स में हर्बेरियम इंक्लूड है सो जो वाइवा लेने के लिए ऑरल कभी भी क्वेश्चंस पूछते हैं वाइवा में सो पूछते हैं कि व्हाट आर द यूज ऑफ यूजेस ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स व्हाई वी यूज ब्लॉटिंग पेपर इन द प्लांट प्रेस या इन द हरबेरियम सो इसका यूज क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है प्लांट्स का वो क्या करते हैं ब्लॉटिंग पेपर या ओल्ड न्यूज पेपर वो क्या करेंगे एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे क्योंकि अगर मॉइस्चर वाले प्लांट्स रहेंगे तो फ्रेंड्स उनमें क्या होगा उनमें एक तरह से काई लग जाएगी और वो क्या करेंगे खराब हो जाएगी स्पीशीज ओके देकेटेड जो शीट्स होती है वो भी यूज की जाती है इन बिटवीन द ब्लॉट एज वेंटिलेटर्स वेन प्लांट्स आर ड्राइड बाई आर्टिफिशियल सीड्स आप सब ने देखी कॉरूकेटेड शीट्स क्या होती है अब कभी आपने कार्टन देखे होंगे इट मीन जब भी और किसी के भी बॉक्स जो होते हैं जिसे हम गत्ते कहते हैं नॉर्मली सो so उन कार्टन में फ्रेंड्स एक ना डिजाइन वाली जो शीट्स होती हैं जो डिजाइन वाली जिसमें कैसी होती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे डिजाइन बनी हुई होती है उन्हें हम कॉरूगेटेड शीट्स बोलते हैं और ये क्या करते हैं जो ब्लॉटर्स होते हैं या फिर जिन्हें हम ब्लॉटिंग पेपर्स बोलते हैं उनके बीच में इन शीट्स को

कोई भी पत्ती है वो क्या हो पूरी जाएगी पूरी तरह टूट जाएगी ओके सो ऐसा भी नहीं होना चाहिए प्रोवाइड पैसेज फॉर द मूवमेंट ऑफ ड्राई हीटेड एयर थ्रू द प्रेस तो ये जो क्या करते हैं ये जो कार्युगेटेड शीट्स होती है वो क्या करती है जो एकदम से जो ड्राई हीट है जो हम आर्टिफिशियल हीट प्रोवाइड करा रहे हैं इनको इन uh, स्पेसिमेंट्स को इन प्लांट्स को इन लीव्स को सो so वो क्या करती है जो ड्राई हीट जो होती है उसको एकदम इस uh, जो ये डिजाइन बनी हुई है ऊपर नीचे तो इनमें से क्या करती है पास आउट करा देती है जिससे पूरी तरह क्या होगा जो पूरी तरह जो लीव्स हैं जो स्पेसीमेंस है वो पूरी तरह ड्राई नहीं हो जाएंगे ओके द प्रेस इज देन टाइट टाइटली बाय ऑफ a pair of heavy straps. देन क्या करते हैं फ्रेंड्स जब हम पूरी तरह इसको जमा लेते हैं इट मीन्स दोनों तरफ क्या है मेटल या वुडन के प्रेस हो गए उसके अंदर हमने ब्लॉटिंग पेपर या ओल्ड न्यूज पेपर यूज किया देन कॉरिगेटेड शीट्स भी यूज करी है एंड देन उनके बीच में हमने क्या किया उनके बीच में हमने स्पेसीमेंट्स uh, रख दिया या फिर uh, जो लीव्स हैं जो भी हमने स्पेसीमेंट प्लांट्स के लिए वो हमने रख लिया एंड देन इनको टाइटली स्ट्रेप्स के थ्रू इट मीन्स रोप्स के थ्रू इनको टाइटली बांध दिया जाता है सो so, ये हो गई हमारे प्रेस जो आते हैं प्रिंटिंग uh, सॉरी प्लांट प्रेस हो गया ओके द नेक्स्ट जो आता है फ्रेंड्स वो होती है फील्ड नोटबुक अब फील्ड नोटबुक क्या होती है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट कलेक्शन अगर हम कोई भी प्लांट कलेक्ट करते हैं फ्रेंड्स तो उसकी एक रिकॉर्डिंग होनी चाहिए फील्ड का डाटा होना चाहिए हमारे जब हम कलेक्ट कर रहे हैं नहीं तो जब हम नोटबुक बनाएंगे जो भी जिसमें हम लेबलिंग करेंगे जब एंड में तो आप उसमें क्या लिखोगे अगर आपको पता ही नहीं है सो so, इस पर्पज के लिए क्या करते हैं पॉकेट साइज नोटबुक्स होती है जो हरबैरिय में जो वर्क करते हैं उनके पास क्या होती है पॉकेट साइज छोटी छोटी नोटबुक्स होती है जो इसके लिए यूज करते हैं जिसमें वो क्या करते हैं ईच बुक हैज आर सीरियली अब क्या होता है हर एक बुक में क्या करेंगे हंड्रेड लीव अपन रख सकते हैं और जिसको सीरियली वाइज सीरियल वाइज हम क्या करते हैं नंबर दे सकते हैं देन देर आर फोर टू सिक्स डिटेचल टेक्स ऑन ईच पेज बैरिंग द सेम नंबर देन क्या करते हैं हम फोर टू सिक्स जो टैग्स लगे हुए होते हैं हर पेज पर पे। डिटेचेबल टैग्स फ्रेंड्स आप एक तरह से स्टिकर्स समझ लो आपने ऑब्वियसली आप चाइल्डहुड में अपने स्टिकर्स यूज किए होंगे अलग अलग शेप्स के आते हैं अलग अलग डिजाइन डिटेचेबल टैग्स होते हैं जो वो क्या करते हैं जो जो स्पेसिंस बांध देते हैं वो जो हमने अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा था जब हम प्रेसिंग प्रोसेस के लिए प्लांट प्रेस को बांध देते हैं तो हम क्या करते हैं उन सारे के बाहर क्या करते हैं हैं टैग्स लगा देते सेम 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 काइंड काइंड ऑफ द द आर कलेक्टेड एट टाइम एंड प्लेस इट हमने एक टाइम पे लाइक फ्रेंड्स like कोई भी हम फॉरेस्ट में स्पेसीमेंस कलेक्ट करने के लिए गए हैं सो so ऑब्वियसली हम एक प्लांट तो लेकर के नहीं आएंगे हम साथ में बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स लेकर आते हैं तो एक ही टाइम पर या एक ही जगह से सेम प्लेस और सेम टाइम पे हमने जो जो स्पेसिमेंट्स जो लिए हैं हमने कलेक्ट किए उन सबको क्या होता है नंबरवाइज सेम काइंड का एक ही जो टैग्स होते हैं वो लग जाते हैं ओके okay? इट मीन्स क्या होगा इन सब पे सेम नंबर होगा फ्रेंड्स तो ये जो सेम नंबर किसको डिनोट कर रहा है कि इस जो सारे स्पेसिमेंट है वो सेम टाइम और सेम प्लेस से कलेक्ट किए गए देन जो डाटा होता है द डाटा सच एज द फील्ड नंबर ऑफ स्पेसिमेंट डेट ऑफ कलेक्शन लोकेलिटी हैबिटेट बॉटनिकल नेम ऑफ द प्लांट फ्लार कलर वेरिएशन एंड द एसोसिएटेड प्लांट वर्नेकुलर नेम एंड यूजेस आर रिकॉर्डेड इन द फील्ड नोटबुक एट टाइम ऑफ कलेक्शन अब जब हम कलेक्ट करते किसी भी प्लांट्स को सो so फ्रेंड्स उसके बारे में हमें पूरी तरह इन्फॉर्मेशन भी उसमें लिखी जाती है डाटा लिखाना लिखना पड़ता है डेटा कलेक्ट करना होता है जिसमें हम क्या करते हैं फील्ड नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी लिखेंगे का जो अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा कि हम फील्ड नंबर्स देंगे फ्रेंड्स देन डेट ऑफ कलेक्शन किस दिन हमने कलेक्ट किया लोकेलिटी कहाँ से हमने कलेक्ट किया उसका हैबिटेट क्या है उन सारे प्लांट्स का उसका बॉटेनिकल नेम क्या है उस प्लांट का फ्लार का कलर क्या है वेरिएशन क्या है अलग अलग देन uh, जो एसोसिएटेड प्लांट्स इट मीन उसके जैसे दूसरे जो दिखते हैं प्लांट्स एसोसिएटेड उसी स्पीशीज या सेम जीनस के अलग अलग स्पीशीज है उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए वर्नाकुलर नेम दैट इज कॉमन नेम पता होना चाहिए उसके यूजेस पता होने चाहिए अगर कोई यूज है उनका देन इन सबको हम फील्ड जो नोटबुक होती है उसमें क्या करते हैं रिकॉर्ड करते जाते हैं जब भी हम कलेक्शन के लिए जाते हैं देन वैस्क्यूलम अब वैस्क्यूलम क्या होता है फ्रेंड्स ये एक तरह का कंटेनर होता है टीन या एल्यूमिनियम का बना हुआ एल्यूमिनियम शीट का इट है इसमें क्या होता है इट मीन uh, जो इसका जो ढक्कन होता है जो कैप होती, हो, एकदम टाइट होती है इट इज ओवर एट दी एंड एंड फोर्टी टू सिक्स फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग सो एक तरह का कंटेनर है तो आप आइडिया लगा सकते हो कंटेनर कैसे होते हैं कोई भी डिब्बे कैसे होते हैं सो ओवल शेप होगा और कैसा होता है फोर्टी टू सिक्सटी सेंटीमीटर लॉन्ग होता है देन वेस्क्यूलम इज पेंटेड व्हाइट टू रिफ्लेक्ट एंड टू लोकेट इट क्विकली इन बिटवीन ग्रीन थिक वेजिटेशन अब एस्कुल को फ्रेंड्स हमेशा व्हाइट कलर से क्या करते हैं पेंट करते हैं क्योंकि व्हाइट कलर क्या करता है सन की रेज को क्या करता है फ्रेंड्स रिफ्लेक्ट करता है और अगर हम बहुत वेजिटेशन लाइक फील्ड्स में या फॉरेस्ट में कहीं भी वेस्कुलम को रख दें तो हमें इजीली हम इसको पहचान लेंगे क्योंकि ये वाइट कलर है क्योंकि हर जगह ग्रीनरी और ग्रीनरी के बीच में हमें व्हाइट कलर दिख जाएगा इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व द फ्रेशनेस ऑफ प्लांट्स दे आर प्रेस्ड अब क्या करते हैं वेस्कुलम कहाँ यूज आता है फ्रेंड्स इनको जो प्लांट्स हम कलेक्ट करके लाते हैं बट कलेक्ट करने के बाद हमारा सीधा वर्क क्या होता है प्रेसिंग का प्रेस करने का बट हम जब प्रेस लाइक आज मैंने अभी मैं कलेक्ट कर रही हूँ और मैं फोर टू सिक्स आवर्स बाद प्रेस करूंगी तो तब तक मैं क्या करूंगी कि मैं दूसरे प्लांट्स पे कलेक्ट कर रही हूँ लाइक मैं फॉरेस्ट में आई हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि सेम एक प्लांट कलेक्ट किया देन उसको प्रेसिंग के लिए रखा फिर वापस से आई सेकेंड कलेक्ट किया तो उसके लिए मैं क्या करूंगी जितनी देर में दूसरे प्लांट्स कलेक्ट कर रही हूँ उतनी देर में इस जो अभी मैंने जो स्पेसिफिट लिया है उस प्लांट को मैं क्या करूंगी वेस्कुलम uh, रख दूंगी एंड उसको कहीं भी रख सकती हूँ बिकॉज ऑफ इट्स वाइट कलर मुझे इजीली वेजिटेशन में कितने भी ग्रीनरी हो उसके बीच में हमें ये दिख जाता है ओके okay? सो so, जब तक हम प्रेस नहीं करते तब तक इसे यूज किया जाता है जिससे जो प्लांट की फ्रेशनेस है ना प्लांट फ्रेश रहे खराब नहीं हो जाए या ड्राई नहीं हो जाए देन प्लास्टिक बैग्स को भी यूज किया जाता है फ्रेंड्स मेक एक्सीलेंट कंटेनर्स फॉर फ्रेश फ्रेश के लिए प्लास्टिक बैग्स भी बहुत एक तरह के एक्सीलेंट कंटेनर्स है बट फ्रेंड्स ये याद होता है या ये याद रखना चाहिए कि वेस्कुल को कभी बहुत ज्यादा टाइट भी बंद नहीं कर लेना चाहिए क्योंकि ज्यादा टाइट बंद करेंगे तो उससे क्या होगा जो प्लांट्स जो है वो आ, क्या हो सकते हैं ड्राई भी हो सकते हैं जिससे वो वेस्ट हो जाएंगे उनकी फ्रेशनेस खत्म हो जाएगी देन डिगर सो so, फ्रेंड्स नेम से ही आ, क्या है क्लियर है डिगर मीन्स जो खुदाई के लिए जो इक्विपमेंट हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड डिगर सो अटेबल डिगर इज रिक्वायर टू टेक आउट द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द हर्बेश्स जो हर्ब्स होती है हर्ब यू नो अब बुशेज झाड़िया होती है छोटी छोटी हर्ब्स वाले प्लांट्स होते हैं सो so, उन्हें निकालने के लिए हमें क्या यूज करते हैं डिग्र यूज करते हैं जिससे हम प्रॉपरली उसके अंडरग्राउंड पार्ट भी निकाल सके क्योंकि अंडरग्राउंड पार्ट में क्या आता है फ्रेंड्स रूट्स आती है हम ऊपर से काट नहीं सकते जिससे रूट्स तो नीचे रह गई और हमने ऊपर का स्टेम से ही उसको ले लिया स्टेम से ही कट कर दिया हम प्रॉपरली उसको डिग करके उसको खोद करके और कैसे करते हैं प्रॉपरली अंडरग्राउंड पार्ट्स भी दिखते हैं उन हर्बेशियस प्लांट्स के सो उसके लिए हमें डिगर की भी यूज होता है देन फ्रेंड्स रूट सिस्टम राइजोम बल्ब कॉम्स तो ये सब आपने सुने होंगे एक तरह से वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स भी है रूट सिस्टम होता है अंडरग्राउंड अगर हम पार्ट्स की बात करें तो रूट सिस्टम आता है राइजोम भी आता है देन बल्बस भी आते हैं बल्ब आपने देखे होंगे फ्रेंड्स अनियन में जो बल्ब होते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है कॉम्स कॉम्स भी फ्रेंड्स एक तरह का अंडरग्राउंड पार्ट ही है एकदम बल्जड पार्ट होता है और एक तरह से क्या करता है प्लांट का स्टोरेज होता है स्टोरेज ऑर्गन भी हम इसे कह सकते हैं ओके ट्यूबर और आपने बहुत सारे फ्रेंड्स सुने होंगे जो तो वेजिटेड प्रॉपिक्यूज होते तो ये एकदम इसो ये जो

उनके हम क्या करते हैं उनको कट करने के लिए जिसके यूज़ करते हैं उस इक्विपमेंट को हम सिकेटियर बोलते हैं लेकिन प्रनिंग शियर्स क्या होते हैं इट इज़ यूज फॉर कट कटिंग ट्विक्स फ्रॉम टॉल ट्रीज अब ये कर, प्रनिंग शियर जो इक्विपमेंट होता है वो टॉल बहुत लंबे लंबे जो ट्रीज होता है उसमें उसके जो ट्विक्स को कट करने के लिए प्रनिंग शियर का यूज़ किया जाता है देन फ्रेंड्स एक पॉकेट मैग्नीफाइंग लेंस की भी जरूरत पड़ती है जिससे सो नेम से क्लियर so, है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल आइटम है इक्विपमेंट फॉर द फील्ड कलेक्शन के लिए ओके कलेक्शन पर्पज के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि से ही क्लियर है फ्रेंड्स मैग्नीफाइंग लेंस इट मीन्स हम बहुत ध्यान से किसी भी स्पेसीमैन uh, को या किसी भी फॉरेस्ट के किसी भी पार्ट को या किसी भी प्लांट के पार्ट को हम इजीली देख सकते हैं सो so, ये सारे इक्विपमेंट्स होते हैं फ्रेंड्स जो हर्बेरियम टेक्निक से हर्बेरियम में यूज आते हैं अब हम एक एक क्या करेंगे प्रोसेस देखते हैं सो फर्स्ट इज कलेक्शन सो अब कलेक्शन क्या होता है कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेंट्स का कोई प्रोसेस नहीं है सीधे है हमें जाकर के उसको कलेक्ट करना है नॉर्मल बट हमें हमारे माइंड में इट मीन कुछ पॉइंट्स कलेक्ट

फ्रूट्स बन रहे हैं सो so, ऐसी जो कंडीशन है ऐसे टाइम का अगर हम स्पेसीमिन लेते हैं सो इट इज द बेस्ट ये तो बहुत अच्छी बात है देन हर्बेशियस प्लांट्स जो होते हैं उन्हें हमें कलेक्ट कैसे करना चाहिए अंडरग्राउंड पार्ट्स के साथ ही करना चाहिए नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि अंडरग्राउंड पार्ट्स ही है जो क्या करते हैं डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं अभी हमने फ्रेंड्स ऊपर देखा था जिसके लिए हम डिगर यूज करते हैं देन वुडी प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो ट्विग होती है कम से कम हमें ट्वेंटी सेंटीमीटर तक तो लेनी ही चाहिए अगर हम इतना लेते हैं तो इसे हम कह सकते हैं इट इज अ स्पेसिमेंट ओके देन इट इज ऑलवेज गुड टू कलेक्ट एटलीस्ट फोर स्पेसिमेंट ऑफ इच प्लांट अब हमेशा फ्रेंड्स क्या करना चाहिए हर एक प्लांट के कम से कम फोर स्पेसिमेंट लेना चाहिए इससे हम क्या सकते कर सकते हैं अच्छे से स्टडी कर सकते हैं बाई चांस एक कोई स्पेसिमेन खराब भी हो गया गलती से भी सो so हमारे पास थ्री स्पेसिमेंट और पड़े हैं ओके देन ईच ईचेमेंट शुड बी नंबर्ड एज इट इज कलेक्टेड एंड द डिटेल नोट शुड बी एंटर्ड इन द फील्ड नोटबुक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फ्रेंड्स कि जब भी कलेक्शन के टाइम पे हमें प्रॉपरली उसको नंबर देना चाहिए हमने देखा था नंबरिंग प्रॉपरली होनी चाहिए और क्या होना चाहिए फील्ड नोटबुक में साथ ही में डिटेल्ड नोट्स भी होने चाहिए क्योंकि जो चीज हम देख रहे हैं फॉरेस्ट में कलेक्शन के टाइम पे वो उसी टाइम पे हम अगर नोटबुक में लिख लेते हैं नोट डाउन कर लेते हैं सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके वो सही रहता है देन इन नोट्स में क्या होगा सेम जो हमने अभी पढ़ा था हैबिट हैबिटेट कलर लोकेलिटी एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड फ्रेंड्स कितनी ऊंचाई पे होते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए देन अदर फीचर्स जितने भी है जो हमने अभी आगे देखे थे ओके okay, फ्रेंड्स ये सारे हमें उस फील्ड नोटबुक्स में लिखने चाहिए देन स्पेसिमेंट्स जो होते हैं उनको प्रेस करने के लिए इन द फील्ड एज दे आर कलेक्टेड और दे मे बी कैप्ट इन वेस्क्यूलम सो स्पेमेंट्स को जैसे ही हमने कलेक्ट कर लिया उसको तुरंत

उनको फ्रेंड्स कैसे रखना चाहिए इस स्टेप्स में हमको रखना चाहिए दैट द बंडल्स ऑफ शीट्स आर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस कि हम लाइक like, क्या कर रहे हैं बंडल्स बना रहे हैं शीट्स के तो वो सारी शीट्स के जो बंडल्स हैं वो प्रॉपर एक यूनिफॉर्म थिकनेस के साथ होने चाहिए सारे स्पेसिमेंट्स के इट मींस ये क्या करने चाहिए एक जैसे लाइक फ्रेंड्स हमने क्या किया सबसे ऊपर आप देखिए जैसे कि ये क्या है सबसे दोनों तरफ तो क्या होगा आ, प्लांट प्रेस होगा दिन उसके नीचे हम क्या करते हैं उसके नीचे दोनों तरफ हम ब्लॉडिंग पेपर या फिर क्या करते हैं न्यूज़पेपर्स लगाते हैं देन उसके अंदर हम कॉरूकेटेड शीट्स भी लगाते हैं और अंदर हम क्या करते हैं स्पेसिमेन रखते हैं सो अगर इस जगह प्रेशर ज्यादा है इस जगह कम है ऐसा नहीं होना चाहिए पूरे बंडल्स में इस पूरी शीट्स के बंडल्स में यूनिफॉर्म प्रेशर हर जगह एग्जर्ट हो उस अकॉर्डिंग ही हमको क्या करना चाहिए प्रॉपरली हमको प्रेसिंग की प्रोसेस करनी चाहिए देन जितनी भी प्रेसिंग शीट्स होती हैं अलोंग विद स्पेसिमेन्स आर प्लेस्ड वन ओवर अनादर एंड टाइटली बाउंड इन अ प्लांट प्रेस और जितनी भी फिर शीट्स होती है प्रेसिंग शीट्स उनको क्या करते हैं स्पेसीमेन के साथ प्रॉपरली एक के ऊपर एक रख करके उसको टाइटली बाइंड कर देते बाउंड कर देते प्लांट प्रेस से कवर कर लेते हैं क्स्ट जो फ्रेंड्स प्रोसेस आती है प्लांट uh, प्रेस के नीचे रख देते हैं उसको ट्वेंटी फोर आवर्स इट मीन एक दो दिन बाद उसको एक दिन में ही क्या करते हैं उसको ओपन किया जाता है सो so, जो स्पेसिमेंट होते हैं उनको फिर से रीअरेंज करा जाता है देन फ्रेंड्स उसको क्या किया प्रेस को ओपन किया ट्वेंटी फोर आवर्स के बाद एंड देन उनको क्या किया वापस से रीअरेंज करते हैं एंड देन उनको रखते हैं देन बिटवीन फ्रेश ब्लॉटिंग शीट्स एंड देन अगेन टाइटलीउंड प्रसो फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट बात है कि क्या होता है कि जो हम जब भी प्रेसिंग के टाइम पे जो ओल्ड न्यूज पेपर्स रखे हमने उनका वर्क क्या होता है कि जितना भी मॉइस्चर होता है उसको एबजॉर्ब कर लेते हैं अब अगर नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स में आप उनको चेंज नहीं करोगे तो क्या होगा वही मॉइस्चर लीव जो है या फिर जो प्लांट जो है स्पेसीमेन से उनपे लगा रहेगा और प्लांट्स को खराब कर देगा सो उसकी वजह से क्या करते हैं इन ब्लॉटिंग शीट्स या पीपल्स को चेंज किया जाता है एंड देन वापस से उसको प्रेस में वापस से उसको टाइटली बाइंड कर दिया जाता है बांध दिया जाता है ऐसे ही हमें बार बार इन जो शीट्स होती है ब्लोटिंग जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनको चेंज करना होता है द वेट ब्लोटिंग शीट्स रिमूव शुड बी ड्राइड एंड द स्पेसिमेंट्स आर चेंज टू ड्राई ब्लॉटिंग शीट्स डेली जो मैंने अभी बताया कि डेली ही स्पेसिमेंट्स को फ्रेंड्स क्या करते हैं उनके जो ब्लॉटिंग शीट्स या न्यूज़पेपर्स होते हैं उनको चेंज किया जाता है ब्लॉटिंग शीट्स अगर रिमूव करके उनको भी ड्राई किया जाता है जिससे आप उसको फर्दर नेक्स्ट टाइम यूज कर सको ओके okay? उसको प्रॉपरली ड्राई हो जाए देन ही हम यूज करते हैं क्योंकि वेट अगर शीट्स हैं सो so उसको हम नेक्स्ट टाइम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम शीट्स का काम ही क्या है फ्रेंड्स मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना और वो खुद ही मॉइस्चर वाली है सो so देन वो स्पेसीमेंस uh, को भी और क्या देंगी वो खराब कर देंगी ओके देन नेक्स्ट क्या होती है माउंटिंग होती है जब प्रॉपरली ड्राइड हो जाते हैं स्पेसिमेंट्स तो उनको माउंट करने के लिए माउंटिंग करने के लिए क्या करते हैं वो जो हर्बेरियम शीट्स होती है जिनकी स्टैंडर्ड साइज फ्रेंड फ्रेंड्स मानी जाती है 41 वन इंटू सेंटीमीटर इतने एरिया की क्या होती है हर्बेरियम शीट्स पे क्या होते हैं माउंटिंग की जाती है ड्राइड स्पेसिमेंट्स की अब बहुत सारे एडहेसिव्स यूज किए जाते है एडहेसिव मीनस ग्लू है सेलो टेप है उसको चिपकाने के लिए जिससे क्या होता है कि स्पेसिमेंट्स प्रॉपरली अच्छे से क्या हो जाए शीट्स पे अटैच हो जाए देन जितने भी डाइसेक्टेड पार्ट्स होते हैं इट मीन जिनको हम हमने कट करा है या लूज पार्ट है उनको क्या करते हैं लूज पार्ट जैसे कि फ्रूट फ्रेंड्स फ्रूट्स क्या होते हैं फ्रूट्स लूजली बाउंडेड होते हैं एक दाल एक छोटी सी स्टेम्प एक सिलेंडर पार्ट पर वो एक क्या होते टंगे हुए होते हैं एक तरह से क्या होते हैं हैंग्ड होते So, उन फ्रूट्स हैं या फिर डाइसेक्टेड पार्ट्स उन सबको क्या करते हैं एक पेपर के पैकेट्स होते हैं जिसमें पेस्ट uh, कर देते हैं माउंटिंग शीट से इट मीन उनको एक पेपर के पैकेट्स में रखा जाता है एंड देन माउंटिंग शीट पे उसको पेस्ट कर दिया जाता है एट टू नाइन नेम पढ़े थे मैथड्स के so उसे क्या कहा था हमने पॉइजनिंग बोला था पॉइजनिंग तो वर्ड में आता है जिसमें हम केमिकल से उनको ट्रीट करते हैं सो माउंटिंग से पहले जितने भी स्पेसीमेंट होते हैं उनको

कोई भी शीट पे कहीं भी अपन नहीं लिख सकते लोअर राइट हैंड इट मीन्स क्या होगा लाइक दिस इज शीट सो लोअर राइट हैंड क्या हुआ ये ये राइट right साइड हुआ और ये हुआ लोअर इस जगह पे क्या होती है लेबलिंग की जाती है ओके okay? देन लेबल में क्या क्या आना चाहिए हेडिंग आनी चाहिए सबसे पहले तो जिसमें हमने क्या लिखा है इंस्टीट्यूशन क्योंकि हरबेरियम घर पे तो नहीं होता फ्रेंड्स लाइक uh, like, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं हम बाद में पढ़ेंगे भी कि इंडिया में फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट बड़े बड़े कौन कौन से इंस्टीट्यूट है या हरबेरियम्स हैं सो फर्स्ट तो हेडिंग आएगी जिसमें हम इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे देन जिसमें विच स्पेसिमेन ओरिजिनेटेड एंड द रीजन ऑफ द कलेक्शन देन हम उस स्पेसिमेन का नाम लिखेंगे कि उसका ओरिजिन इट मींस हमने कहां से उसको कलेक्ट किया है देन उसकी फैमिली के बारे में लिखेंगे इट मींस उसकी फैमिली मींस उसके परिवार की बात नहीं कर रहे हम फ्रेंड्स जीनस फैमिली ऑर्डर हमने पढ़ा है ना सो दैट इज टेक्सा टेक्सॉन uh, जो हम कहते हैं कैटेगरीज उसकी फैमिली लिखते हैं देन बोटेनिकल नेम लिखा जाता है जिसमें जीनस एंड स्पीशीज पूरा प्रॉपरली आएगा लोकैलिटी आएगी उसकी कलेक्शन की डेट आएगी किस दिन हमने कलेक्ट किया है हैबिटेट है देन फील्ड के नोट्स भी इसमें लिखे जाते हैं नेम ऑफ द कलेक्टर इट मीनस जो कलेक्ट करता है उसका भी नाम आता है कलेक्टर का फील्ड नंबर आता है उसको प्रॉपर फील्ड में फ्रेंड्स हर एक कलेक्टर को फील्ड के नंबर दिए जाते हैं वर्नाकुलर नेम भी आते हैं और उसके लोकल यूजेज भी आते हैं इट मीन लोकल नेम और उसके लोकल यूजेज की वो किस-किस में काम आता है ये सब हम हरबेरियम लेबलिंग या हरबेरियम लेबल्स में लिखते हैं सारे काम हो गए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्या होगा लास्ट जो काम होता है वो स्टोरेज का आता है कि हमने प्रॉपरली हरबेरियम शीट्स हमने पूरी तरह अब, फिनिश कर लिया प्रोसेस अब नेक्स्ट है इसको प्रॉपरली क्या करें इसको स्टोर करके रखें नहीं तो इतनी मेहनत का क्या फायदा होगा सो so, ये जितने भी माउंटेड और प्रॉपरली आइडेंटिफाइड हमने पूरी लेबलिंग कर ली सारे स्पेसीमेंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं एक स्पेशल वुडन या स्टील की कैबिनेट्स होते हैं एक तरह के अलमिराज होते हैं जिसमें स्टोरेज किया जाता है स्टोर करके रखा जाता है ये सारी स्पेसीमेंट जो शीट्स होती है उनको एक फोल्डर्स में फाइल किया जाता है फोल्डर्स लाइक जो होते हैं फोल्डर्स में फाइलिंग की जाती है एंड देन Uh, इनको अलग अलग कलर्स की स्कीम्स होती है इट मीन्स फ्रेंड्स लाइक कौन कौन से स्पीशीज़ है उनके अलग कलर्स होंगे शीट्स के देन जीनस जो है सो so उन सारे जीनस के अलग अलग कलर्स होते हैं जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग भी ये क्या करते हैं अलग अलग कलर्स डिनोट करते हैं जिससे जब भी हम उन फोल्डर्स uh, को या जब भी हम उसको ओपन करके देखें तो हमारे लिए ईजिली हमें पता चल जाएगा हाँ ये सेम जीनस की सारी स्पीशीज यहाँ है uh, दूसरे डिफरेंट जीनस है तो उसकी सारी स्पीशीज uh, यहाँ है सेम जोग्राफिकल एरियाज के जितने भी एनिमल सॉरी प्लांट्स हैं उसकी सारी uh, जो uh, फाइलिंग्स है जितनी सारी फाइल्स है जो डॉक्यूमेंट्स है हर्बेरियम की जो प्लांट्स है, है सो so, सारी तरह की हमको इन्फॉर्मेशन इनके थ्रू मिल जाती है देन मोस्टली फ्रेंड्स इंडियन जो हर्बेरिया होता है उसमें जो स्पेसीमेंस होते हैं उनको कैसे अरेंज किया जाता है हम बैंथम और हुकर के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग रखा जाता है फ्रेंड्स याद रखना हम फर्दर नेक्स्ट वीडियोज में मैंने सोचा है कि मैं जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के भी क्या करूंगी वीडियो जरूर अपलोड करूंगी जिसमें हम बेंथम एंड हुकर और वेरियस जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सबके बारे में पढ़ेंगे ओके सो बेंथम एंड हुकर का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था उस अकॉर्डिंग ही हमारे जो इंडिया में जितने भी हरबेरिया हैं उनमें स्पेसिमेंट्स को अरेंज किया जाता है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पॉइंट पढ़ा था आपको याद होगा जिसमें हमने देखा था कि इनको प्रॉपरली क्या करते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सेट करते हैं अरेंज करते हैं ओके देन इन सबको प्रॉपरली प्रोटेक्टेड एरियाज में रखे जाता है जिससे फ्रेंड्स ये फंजाई या किसी भी इंसेक्ट से डैमेज नहीं हो जाए और पीरियॉडिकल फ्यूमिगेशन भी होता है इट इटमीन्स टाइम टू टाइम इनको फ्यूमिगेशन करते हैं जिससे क्या हो जाते हैं फ्यूमिगेशन फ्यूम्स लाइक स्प्रे करते हैं जिससे इंसेक्ट्स या फंजाई कोई भी नहीं आए इनको या डिस्ट्रॉय नहीं करे डैमेज नहीं कर दे इनको विध केमिकल्स लाइक मर्क्यूरिक क्लोराइड मर्क्यूरिक क्लोराइड लाइक केमिकल्स के थ्रू इनको फ्यूमिगेशन किया जाता है देन फ्लेक्स और DDT, ये सारे

होते हैं देन क्या होता है जो जितने भी अनाज है ग्रेन्स हैं वो सब खराब नहीं होते ओके ना नेक्स्ट फ्रेंड से बहुत इंपॉर्टेंट है रोल ऑफ हर्बेरिया जो एग्जाम्स में भी पूछा जाता है इट मीन सिग्निफिकेंस ऑफ हर्बेरिया या इंपॉर्टेंस ऑफ हर्बेरिया क्या है सो so, सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है कि हरबैरिया क्या करता है एक तरह का रेफरेंस है फ्रेंड्स जिससे हम इजीली क्या कर सकते हैं हमें एक स्टडी मटेरियल मिल गया है जिससे हम किसी भी एक स्पीशीज या किसी भी प्लांट के बारे में इजीली पढ़ सकते हैं हमें क्या होगा नॉलेज हमारा मिलता है बायोडाइवर्सिटी के बारे में इट मीन हम अलग अलग स्पेसीमेंट्स ला रहे हैं उन अलग अलग स्पेसीमेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं देन प्रॉपरली सैम्पल्ड एंड प्रिजर्व हर्बेरियम स्पेसिमेंट आर वैल्यूएबल एड्स इन टीचिंग एंड रिसर्च टीचिंग लाइन और रिसर्च में भी फ्रेंड्स हर्बेरियम्स जो होते स्पेसिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसके थ्रू बहुत सारी हम रिसर्च कर सकते हैं टीचिंग कर सकते हैं ऑब्वियसली uh, जो स्टूडेंट्स होंगे उनको सिखाएंगे देन क्या करते हैं ये एक आर्चिवल मटेरियल इट मीन आर्चीव करना फ्रेंड्स ऑब्वियसली आपको पता होगा किसी को संभाल करके रखना सो so, एक तरह से आर्चिवल मटेरियल है जो क्या करता है लाइक like, दो साल पहले या टेन ईयर्स पहले जिस साइंटिस्ट नॉट साइंटिस्ट किसी भी इंसान ने क्या किया जिसने हर्बेरियम में एक फाइल तैयार करी इस पूरे हर्बेरियम टेक्निक से जो अभी हमने पढ़ी प्रॉपरली बनाया एंड देन टेन इयर्स लेटर एक सेकेंड पर्सन ने फिर से नेक्स्ट दूसरी स्पीशीज या उससे रिलेटेड ही दूसरी स्पीशीज एसोसिएटेड प्लांट्स थे उसके बारे में क्या किया आ, वापस से दूसरी फाइल तैयार करी तो ये एक तरह का कंपेरिजन बन गया दस साल पहले का एक प्लांट और दस साल बाद का एक प्लांट उन दोनों में क्या पढ़ाई है क्योंकि फ्रेंड्स इवोल्यूशन है वो तो टाइम टू टाइम नॉट टाइम हर एक सेकेंड हम में इवोल्यूशन हो रहा है जो इतना माइन्यूट है कि हम देख नहीं सकते और वो अचानक जब पूरी तरह दिखता कब है मिलियन ऑफ इयर्स के बाद अचानक चेंज आ जाता है बट जो इवोल्यूशन के जो प्रोसेस है वो तो अभी भी चलती ही है कंटीन्यूअसली चलती है सो so ये एक तरह के क्या करते कंपैरिजन प्रोवाइड करते अर्लियर और प्रेजेंट स्पीशीज के बारे में इको फिजियोलॉजिकल इट मींस इकोलॉजी और फिजियोलॉजी किसी भी प्लांट से उससे रिलेटेड जो होता है उसको इको फिजियोलॉजिकल बोलते हैं देन क्लाइमेट है ग्लोबल चेंजेस हैं सो ये सब रिसर्च में बहुत सारी चीजें इनमें इनकी हेल्प आती है देन हरबेरियम जो स्पेसिम्स होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं किसके लिए लास्टिंग रिकॉर्ड ऑफ द फ्लोरा ऑफ अ जियोग्राफिकल एरिया किसी भी जियोग्राफिकल एरिया का फ्लोरा फ्लोरा एन फोना फ्लोरा मींस प्लांट्स फोनामीन्स एनिमल्स सो उसके जो फ्लोरा होते हैं uh, प्लांट्स होते हैं उनके बारे में क्या होता है फ्रेंड्स एक रिकॉर्ड तैयार हो जाता है एक तरह का लास्टिंग रिकॉर्ड है मींस उसको हम बहुत लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं किसी को भी जरूरत पड़ी तो उसको पढ़ सकता है सारे फ्रेंड्स पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है इट मींस एक बार आपने समझ लिया हरबेरिया क्या है तो आप इजिली हर एक पॉइंट लिख सकते हो हम कहाँ इसे यूज कर सकते हैं इसके फंक्शन क्या हमें वही लिखना है और फ्रेंड्स ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ हरबेरियम आ जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ हरबेरियम आ जाएगा देन रोल ऑफ हरबेरियम भी पूछा जाता है है या मेजर फंक्शन ऑफ हर्बेरियम भी पूछा जाता है जिसमें आपको सब में आंसर यही है जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं Then ये क्या करते हैं एक तरह का फंडामेंटल रिसोर्स है फ्रेंड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स ऑफ कंट्री इन इवन वर्ल्ड इट मीन एक तरह का फंडामेंटल एक बेसिक रिसोर्स है जहां हम क्या कर सकते हैं जितने भी प्लांट किसी कंट्री के ही नहीं बट पूरे वर्ल्ड के हम सारे प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजिली क्योंकि हमने जब फील्ड नोटबुक तैयार करी थी तो हम एक एक के क्या करते हैं कैरेक्टरिस्टिक डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं जिससे हम इजिली उसको क्या कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं उनका देन जो स्पेसिमेंट के जो टेक्स होते हैं वो क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन तैयार करते हैं हमें

बॉटेनिकल स्टडीज के थ्रू अगर आपका फ्रेंड्स बॉटेनी सब्जेक्ट है लाइक बी एस सी एमएससी या फर्दर कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर बॉटनी सब्जेक्ट लेते हो सो आपके स्टडी के लिए ये बहुत हेल्पफुल होते हैं देन दे में बी यूजफुल एज सोर्स ऑफ मटेरियल फॉर एनाटॉमी, पेलिनोलॉजी साइटोटेक्सोनॉमी बायोकेमिस्ट्री फार्मिकोलॉजी एटसेट्रा सो so, ये क्या करते हैं फ्रेंड्स जितने भी प्लांट्स की एनाटॉमी है एनाटॉमी मीन्स उनका जो इनर सिस्टम होता है उसे हम एनाटॉमी कहते हैं तो एक तो उसका हमें सोर्स मिल रहा है उसे हम पढ़ सकते हैं देन पेलीनोलॉजी क्या होता है फ्रेंड्स जिसमें हम प्लांट के पोलन ब्रेन्स से स्पोर्स है पार्ट्स है, है, होते हैं प्लांट के अंदर के हम उसे स्टडी करते हैं इंडिविजुअल प्लांट सेल को पढ़ करके टेक्सोनॉमी सो फ्रेंड्स टेक्सोनॉमी आपको पता है जिसमें हम कैटेगरीज हमने दी है लाइक uh, like, uh, हम कहा से स्टार्ट करते हैं किंगडम फाइलम से स्टार्ट करके हम जीनस और स्पीशीज तक आते हैं सो ये सब क्या होती है टेक्सोनॉमी का ही एक पार्ट है जिसमें टेक्सोन्स हम जिसको बोलते हैं और इसकी जो स्टडी होती है कैटेगरीज की उसे हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं सो सेल स्ट्रक्चर को देख करके जब हम साइट्रोटेक्सोनॉमी इस ब्रांच को बोलते हैं जब हम पूरे स्टडी करते हैं सेल्स को देख करके टेक्सोनॉमी हम क्रिएट करते हैं डिस्टिंग्विश करते हैं प्लांट्स को सो so, इस स्टडी को क्या बोलते हैं हम साइट्रोटेक्सोनॉमी बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री फ्रेंड्स आजकल बहुत ही इट मीन इंपॉर्टेंट है एंड एकदम हॉट सब्जेक्ट है आज के टाइम का दैट इज कॉल्ड बायो केमिस्ट्री जिसमें हम बायोलॉजी को केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं क्योंकि फ्रेंड्स हमारी पूरी बॉडी नॉट ओनली ह्यूमन्स प्लांट्स जो है वो केमिस्ट्री से ही बिलोंग करता है इट मीन्स हमारी पूरी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो वर्ड है फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या है दीज आर ऑल आर द केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रही है सो दैट इज कॉल्ड बायो केमिस्ट्री और फार्मेकोलॉजी दैट इज़ फ्रेंड्स जो ऐसे ब्रांच होती है साइंस की जो क्या करती है जितने भी ड्रग्स हैं या फिर जितने भी प्रॉब्लम्स आई I मीन mean, जो मेडिसिन से रिलेटेड आप फार्मेसी सुनते से, हो फार्मेकोलॉजी क्या होगी जो उन ड्रग्स से जो जितने भी केमिकल्स होते हैं जो ड्रग्स होती हैं उनके एक्शन से फंक्शन है उससे रिलेटेड हम जो पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं हम उसे फार्मेकोलॉजी कहते हैं सो फ्रेंड्स ये सारी जितने भी पढ़ाई है जितनी भी स्टडीज है इन सारी ब्रांच में हर्बेरियम यूजफुल आता है अगर हम इन सारी चीजों को सिर्फ प्लांट से रिलेट करें फार्मेकोलॉजी बायोकेमिस्ट्री सारी ही ब्रांचेस जो है वो सब ऑब्वियसली प्लांट्स में तो आएंगी ही देन दे आर ऑल्सो यूजफुल ए सोर्स ऑफ प्लांट डी फॉर यूज इन मोलिकुलर सिस्टमेटिक्स मोलिकुलर सिस्टमेटिक्स फ्रेंड्स ये भी आज के टाइम का बहुत इम्पोर्टेंट इट मींस जो मोलिकुलर बायोलॉजी है सो so डीएनए को भी हम स्टडी uh, करके क्या कर सकते हैं यूजफुल सोर्स हमें मिल जाता है क्योंकि प्लांट हमारे पास है सो so, सो so, uh, so, हम क्या कर सकते हैं उसका डीएनए लेकर इट मींस मोलिकुलर बायोलॉजी में भी हम इसका यूजफुल कर सकते हैं उसे भी हम स्टडी कर सकते हैं सो so फ्रेंड्स ये सारे हमारे क्या थे आ, ये सारे रोल थे या फंक्शंस थे हर्बेरियम के और एक लास्ट पॉइंट बचता है फ्रेंड्स कि हमें पता होना चाहिए कि मेजर या बहुत इंपॉर्टेंट जो हरबेरिया है हमारे इंडिया की वो कहा है सो so ये टोटल सेवन हरबेरिया है जो हमारे इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट uh, या मेजर हरबेरिया है जिसमें फ्रेंड्स एक तो आता है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम सीबपुर सो फ्रेंड्स ये कोलकाता में देन हर्बेरियम ऑफ दी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून में देन हर्बेरियम ऑफ द सदर्न सर्कल ओके दिस इज सदर्न सर्कल जो कॉइम बेटो कॉइम बेटोर फ्रेंड्स कहाँ आता है तमिलनाडु में ओके okay, ऑब्वियसली आपको पता होगा देन हर्बेरियम ऑफ द ईस्टर्न सर्कल जो है वहां आता है शिलोंग में शिलोंग दैट इज कैपिटल है शिलोंग फ्रेंड्स मेघालय शिलोंग देन हरबेरियम uh, जो वेस्टर्न सर्कल का जो हरबेरियम है दिस इज ये नेम है फ्रेंड्स जो आपको पता होने हरबेरियम ऑफ द वेस्टर्न सर्कल पुणे को कहा जाता है पुणे में है सॉरी पुणे में सिचुएटेड है देन जो हरबेरियम ऑफ द नॉर्दर्न सर्कल है वो देहरादून में ही है देन हरबेरियम ऑफ द नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है सो फ्रेंड्स ये टोटल सेवन हरबेरिया है मेजर हरबेरिया है जो इंडिया में प्रेजेंट है सो फ्रेंड्स फ्रेंड्स हियर वी हैव फिनिश्ड टॉपिक ये थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक था लेंदी था बट फ्रेंड्स आप इतना समझ लो कि इसमें हमने हरबेरियम और उसकी टेक्निक्स और उसके बारे में हमने पूरी तरह ही पढ़ लिया है इट इटमीन्स आपका कोई भी पॉइंट फ्रेंड्स इसमें लेफ्ट नहीं हुआ है रिमेनिंग नहीं है आपने पूरी तरह इसमें सारे पॉइंट्स ही हमने फिनिश कर लिए ओके फ्रेंड्स सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स टू एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ यू फाइंड एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स सो थैंक यू फ्रेंड्स बाय